Hey everyone, welcome back to the channel guys, you're watching Born Creator, this is your host and dost Vivek Suri. So guys, आज मैं कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ, आपको थंबनेल देख के वैसे समझ आ गया होगा. सो गाइज़, मैंने एक रिचार्जेबल बैटरीज का चार्जर मंगवाया था. सो ये मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग करी कि कौन सा खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, हमारे पास और क्या क्या मॉडल्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं, पैनासोनिक का भी आता है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं जो कि आपको इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरीज़ के चार्जर के अंदर मिल जाएंगे. बट द ओनली प्रॉब्लम वाज हर एक में फास्ट चार्जिंग नहीं थी. कोई मेरे को 200 रुपये का मिल रहा था, कोई मेरे को 300 रुपये का मिल रहा था, कोई मेरे को 500 रुपये का मिल रहा था. जो अच्छे थे वो मेरे को 1000, 1200, 1300, 1500, इवन 2000 रुपये के भी चार्जर्स आते हैं गाइस, जो अच्छे कंपनी के, काफ़ी रिनाउंड कंपनीज के आते हैं. बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. क्यों अच्छी लगी, किस वजह से मैंने ये ख़रीदा, कितने का मैंने ये ख़रीदा, ये गाइस आपको आगे वीडियो में देखते हैं, पता चल जाएगा. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं. वेलकम बैक गाइज. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने एनवी का स्पीडस्टर मंगवाया है. एज यू कैन सी, दिस इज़ द एनवी स्पीडस्टर. क्या है इसमें खास, बेसिकली ये आपके रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं उनको चार्ज करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज करता है. और मैंने ये क्यों मंगवाया, किस लिए मंगवाया और मेरे को यही वाला मॉडल क्यों अच्छा लगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ. सो गाइज, मैं यूजुअली माइक्स जो यूज़ करता हूँ वो मैं बोया का माइक यूज़ करता हूँ. ये वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, ये जब मैं लाया था मैंने एक इसका टेस्ट रिव्यू बनाया था, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. सो गाइज, ये बेसिकली इस तरीके से होते हैं, दो हैं, एक है सेंडर और एक है रिसीवर. तो जो रिसीवर है ये तो आपका कैमरा के ऊपर लग जाता है, और एक है ट्रांसमीटर जहाँ से आप जो भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती है. बेसिकली ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ, अब इसका भी रीज़न था क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले जो माइक्स हैं वो यूजुअली पसंद नहीं आते, क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग होती है वो थोड़ी दूर से होती है. मैं यूजुअली पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला करता हूँ सारी की सारी जो भी है वीडियो शूट्स वगैरह. सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टैंड के ऊपर खड़े होकर सारी शूट करवा दूँ कैमरे की. तो उसमें क्या होता है, जब ऊपर वाला आपका माइक लगा होता है तो प्रॉब्लम सारी की सारी आती है कि वो जो माइक होता है वो फिर सराउंडिंग्स की भी वॉइस लेता है. और इन माइक्स का बेनिफिट ये है, ये जैसे मैंने अभी ये बोया का BY1 लगाया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 25 फीट वायर के साथ है. तो ये जो होते हैं ये आपके बिल्कुल यहाँ मुंह के नीचे रहते हैं, तो ये जो है ये सराउंडिंग्स इतनी कैच नहीं करते हैं, तो ये इनका बेस्ट पार्ट होता है. सो गाइज, ये वाले जो मेरे माइक हैं, ये वाला जो मेरा सारा सिस्टम है, इसके अंदर मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ आपके सेल्स कोडाक के, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार. तो गाइज़, मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ कोडाक के यूज़ कर रहा हूँ, इससे बेटर ऑप्शंस भी आते हैं मुझे पता है, बट उसके लिए मुझे चांदनी चौक जाना पड़ रहा था, ऑनलाइन मैं नहीं मंगवाना चाहता था. सो कोई चीज़ सामने मिल रही थी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर थी. सो गाइज़, मेरे को दो सेल रिचार्जेबल ये जो पड़े हैं, दो सेल का सेट ये पड़ा है सिर्फ 200 रुपये का. सो मेरे पास चार सेल हैं, एक सेल अभी और है अंदर, क्योंकि दो इसमें लगते हैं और दो इसमें लगते हैं. अब रिचार्जेबल बैटरीज़ का दिमाग में क्यों आया गाइज़, ये भी मैं आप लोगों को बड़े तरीके से समझाता हूँ. कॉज ये जो मेरे माइक है, आपके घरों में, सबके घरों में क्या होता है यार, बच्चे होते हैं, टॉयज होते हैं, आप लोग टॉयज में बार बार सेल चेंज करते हैं. तो हम क्यों ना ऐसी कोई चीज़ लें जो कि हमारा पैसा बचा सके. मैंने इसके अंदर सबसे पहले ड्यूरासेल के सेल डाले, सोचा कि काफ़ी लंबे चलेंगे, जैसे कि वो बताते हैं कि काफ़ी लंबा चलते हैं. बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि ये जो है ये बैटरीज बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे कंटिन्यूस चलने पे उनकी बैटरीज ख़त्म होगी. मेरे ख्याल से उतनी देर भी नहीं चला, जो कि मेरी 2 दिन की शूट भी नहीं थी. सो 2 दिन में अगर मेरे को ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको 4 सेल ड्यूरासेल के बताऊं तो 150 रुपये के करीब आपको 4 सेल मिलते हैं. सो 2 दिन की मेरी कॉस्टिंग आ गई 150 रुपये की. तो वॉज इट वर्थ इट? नो, आई डोंट थिंक सो. सो मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने नॉर्मल थोड़े दिन, जब तक मेरे पास ये चार्जर नहीं आ रहा था, फिर मैंने चार्जर्स ढूंढे कि यार कौन सा चार्जर लिया जाए. काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे ये वाला चार्जर दिखा, तो फिर मैंने चार्जर ऑर्डर करा. उसके बाद मैंने ड्यूरासेल नहीं लिया, मैंने नॉर्मल सेल चला के देखे कि यार वो वाले सेल देखूँ कि वो इनमें कितनी देर चलते हैं. सो वो चले 2-2 घंटे, नॉर्मल सेल 2 घंटे चलने के बाद हो गए फुस. तो 4 सेल इसमें, 4 सेल टोटल मतलब हो गया आपका 40 रुपीज़ के, 10-10 रुपये के सेल आते हैं, तो वही आपको 160 रुपये खर्चा आ गया.
इट वॉज नॉट वर्थ इट। सो मेरा जो ये चार्जर है ये आ गया। ये मैंने क्यों मंगवाया, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो फोटोग्राफर्स हैं और वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली एक क्लोजअप देख लेते हैं, उससे आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। सो गाइस, हमारा जो है चार्जर वो आता है इस तरीके से। यहाँ पे आप चार ट्रिपल ए बैटरीज डाल सकते हैं ऊपर की साइड पे, नहीं तो डबल ए बैटरीज डाल सकते हैं। यहाँ सामने डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले क्या काम करता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है, यहाँ सामने लिखा हुआ है एनवी स्पीड्स था फॉर 1-4 डबल ए एंड ट्रिपल ए रिचार्जेबल बैटरीज। और पीछे इसकी वायर आती है जो आपकी इसके साथ यहाँ पे पोर्ट है, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा पीछे जो वायर है। और पीछे सारा का सारा तामझाम दिया हुआ है, तो गाइस इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। इस तरीके से इसकी वायर है पीछे जो निकलती है, वायर को पहले थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। देन मैंने इसका बिल जो है वो अंदर ही डाला हुआ, ये मुझे कितने का पड़ा। सो गाइस, अगर आपको क्लियरली थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा तो इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 589 रुपीज़ की। मैं प्राइम मेंबर हूँ अमेज़ॉन का, मेरे को जो 50 रुपये शिपिंग थी वो नहीं लगी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसका कह रहा है कि 1800 mAh आप डाल सकते हैं। जैसे आप 900 mAh की दो बैटरीज डाल दें, 450 mAh तीन बारी डाल दें, या आप वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी बाद में समझाता हूँ। एंड देन जो हमारा चार्जर है वो इस तरीके से होता है। सो गाइज, आप लोगों ने क्लोजअप देख लिया एक्चुअल में चार्जर लगता दिखता कैसे है, क्या है इसके अंदर। नॉर्मल जो चार्जर्स होते हैं ना गाइज, आप जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर घर में रिमोट्स होते हैं, एसी के रिमोट हो गए, टीवी के रिमोट हो गए, आपके घर में टॉयज़ होते हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, हर एक के अंदर आज की डेट में सेल डलते हैं, तो वो जो सेल हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सो इट्स बेटर टू बाय अ रिचार्जेबल बैटरी देन टू बाय दोज नॉर्मल सेल्स। अगर आपके रिमोट है, रिमोट के अंदर अगर आप डालने की बात करें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा नॉर्मल सेल्स, बट नॉर्मल टॉयज वॉयज के अंदर आप नॉर्मल सेल्स नहीं चला सकते क्योंकि वो आपका खून चूस जाएंगे। सो गाइज, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या था, इसका बेस्ट ऑप्शन ये था कि ये है सुपर फास्ट चार्जर। नॉर्मल जो चार्जर होता है, अगर आप खरीदते हैं नॉर्मल चार्जर तो जिसकी कॉस्टिंग 200, 300, 400, 500, 800 रुपये भी आती है अगर अच्छा कंपनी का लेंगे, इवन 1000 रुपीज़ तक के भी होते हैं, बट उनका जो चार्जिंग टाइम होता है वो होता है ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे का। जी हाँ गाइज, मैंने आपको आपने सही सुना है कि ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स लग जाते हैं ये जो सेल होते हैं इनको चार्ज करने में, ये जो सेल है इनको चार्ज करने में ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे लग जाते हैं जो नॉर्मल चार्जर होते हैं उसके अंदर। बट इसका बेनिफिट ये था कि मैं इसके अंदर चार सेल एक साथ डाल के ऑलमोस्ट, ये 1000 mAh की बैटरी है गाइज, तो ऑलमोस्ट मेरे को जो देर लगती है वो लगती है 1.5 घंटा मैक्सिमम। अगर मेरा सेल के अंदर थोड़ी सी बैटरी बची हुई है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये जो चार्जर है वो इस बैटरी को चार्ज कर देगा। अब गाइज, सुपर फास्ट चार्जर तो है ही है, ये तो इसका प्लस पार्ट था ही था। एनवी स्पीड्स इज द नेम, जैसे कि सुपर फास्ट है तो स्पीड्स उन्होंने नाम डाला हुआ है। इसके अंदर हमारे को जो एक प्लस पॉइंट मिलता है जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, वो था इसके ऊपर का डिस्प्ले। आपको यूजुअली किसी भी चार्जर के अंदर डिस्प्ले नहीं मिलता। अब ये डिस्प्ले काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें है डिस्प्ले और डिस्प्ले पे आप लोग देख सकते हैं एक सिंगल सेल लगा हुआ है और ये बैटरी दिखा रहा है 2 से 3 हो रही है, चार्जिंग हो रही है। तो आपको जितनी भी देर लगेगी उसके अंदर बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी बैटरी चार्ज कितनी हुई है, क्योंकि यूजुअली अगर डिस्प्ले नहीं होते तो इन जो चार्जर्स होते हैं इनके अंदर कट ऑफ नहीं होता, तो कट ऑफ नहीं होता तो आपके जो सेल हैं वो फूकने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बट इसके अंदर क्या है, आप हर 5-7-10 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं कि कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी ज़्यादा चार्ज हो चुकी है। जैसे कि ये जब 3 हो जाएगी तो ये फुल होके दिखा देगा कि ये मेरी बैटरी फुल हो चुकी है। उसके बाद आपको सिर्फ चार्जिंग बंद कर देनी है। अगर बाकी के सेल्स में अभी भी चार्जिंग चल रही है तो आप वहाँ से बंद करके नॉर्मल जैसे बंद करते हैं एंड आप यहाँ से अपना जो सेल है उसको निकाल सकते हैं। गाइस, मैं आपको एक बार ही सारे सेल्स लगा के दिखा देता हूँ कि सारे सेल्स लगाने पर कैसा दिखता है ये। सबसे पहले हमारा एक सेल चल रहा था, एक की बैटरी आ रही थी,
उसके बाद ये दूसरा आ गया एंड देन तीसरा मीटर आ गया, और ये बता रहा है आपको कि आपका जो सेल है वो कितने ज़्यादा चार्ज है। सो इसकी तो बैटरी काफ़ी हद तक आधी थी, बट इनकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। सो इनको हम करेंगे अब चार्ज। सो गाइज, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये जो चार्जर है ये किस तरीके से चार्ज करता है, क्यों मैंने इस चीज़ को प्रेफर करा खरीदना, और मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये आपके सेल्स चार्ज कर देगा। ऑलमोस्ट 4 सेल, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके सारे जो सेल हैं चार, वो चारों के चारों चार्ज हो जाएंगे। बहुत ही सुपर फास्ट है। दूसरी चीज़, डिस्प्ले, जो कि बहुत ही मेन है, क्योंकि इन सेल्स चार्जर्स के अंदर कट ऑफ नहीं होता है। सो आपको इसके अंदर मिल रहा है डिस्प्ले, और आप हर 15-20 मिनट के बाद जाके अपने सेल्स देख सकते हैं कि यार एक्चुअल में हमारा सेल जो है वो कितना ज़्यादा चार्ज हुआ है। और बेस्ट पार्ट, प्राइजिंग 589 रुपीज़ अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है, देन 50 रुपये शिपिंग, सो ऑलमोस्ट 640 रुपये। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एक जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि ये जो सेल्स होते हैं गाइस, इनको आप चार्ज कर सकते हैं ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स, 1000 बारी तक ये रिचार्ज हो जाते हैं। सो इससे बढ़िया बात ही नहीं है यार। मतलब आपको एक बारी की जो यूजेज, अगर मैं कॉस्टिंग लगा के चलूँ, सपोज प्राइम मेंबर नहीं है, 650 रुपये वो और 200-200 रुपये के 4 सेल, सो 400 वो, तो 1050 रुपये। और अगर मैं 1000 बारी चार्ज करता हूँ तो मेरे को हार्डली 1 रुपये, 1 रुपये, 1 से 1.5 रुपये के करीब जो इसकी कॉस्टिंग है, 1 से 1.25 रुपये के करीब जो इसकी कॉस्टिंग है वो पड़ेगी, जो यूजुअली हमारी होती है ऑलमोस्ट 10 रुपये। ये अभी 1 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ वो 4 सेल का लगा रहा हूँ। सो अगर मैं 1 सेल के बारे में लगाता हूँ तो वो आपको कॉस्टिंग बढ़ती है ऑलमोस्ट 25 पैसे। सो 25 पैसे और 10 रुपये, सो गाइज यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे ही अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक से ले सकते हैं। बहुत आसान है गाइस, फटाफट से जाएं और फटाफट से खरीदें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो मेरी किसी काम आई हो, और आप लोगों को ये चीज़ खरीदनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है ये अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। सो गाइज, इट्स बाय फ्रॉम माई साइड। आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।